वेलकम टू माई चैनल आरसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं उत्साह और आज आपके लाइव में जो बाल विकास चल रहा है हमारा उसका अगला भाग नंबर 8। तो आप बने रहें हमारे साथ, यदि चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए पहले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। मतलब यह है कि बच्चे का विकास के सिद्धांत यानी उसका विकास किस तरीके से होता है उसको समझना, मतलब उसके उसके बच्चे की यानी बच्चे की जो भाषा है उसके व्यवहार है उसको समझना शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है, ये यहाँ पर मतलब है इसका। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर शिक्षक जो समझता है तभी तो कोई, जब यदि शिक्षक बालक को समझ ही नहीं पाएगा तो वो उसे कैसे कन्वेंस करेगा, कैसे उसको समझेगा, कैसे उसे कन्वर्ट करेगा, अपने तरीके से पढ़ाएगा वो, जब उसे आप समझेंगे नहीं। मतलब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षक को बालक के अनुसार ही चलना चाहिए। यदि बालक ये चाहता है कि हमें हम इस तरीके सीखेंगे, कहता नहीं है, पर आपको नजर रखना है उस पर किस तरीके से वो सीख सकता है, किस तरीके से वो कन्वेंस होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए शिक्षक की सहायता करता है। यहाँ पर देखिए शिक्षक की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक, आर्थिक से कोई मतलब ही नहीं हमें, शिक्षार्थी को क्या पढ़ाना चाहिए और यह औचित्य स्थापित करने के लिए, कि शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने के लिए, और विद्यालय में कई प्रकार के बालक आते हैं, कई प्रकार की भाषाएं भी जानते होंगे क्योंकि वो अलग अलग स्थान से होते हैं, उनकी शैली भाषा शैली जो होती है मातृभाषा शैली उनकी अलग अलग डिफरेंस होती है। तो आप बालक के अनुसार यानी यह है कि आपको उसके अनुसार ही चलना होगा, जैसी उसकी भाषा शैली होगी उसी तरह आप भी उसी तरह चलेंगे तो वो क्या है बहुत जल्दी सीखेगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि वातावरण के अनुसार आप चलेंगे ना तो वो बालक बहुत जल्दी सीखेगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। मानव विकास कुछ कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए मानव विकास का सिद्धांत नहीं है ये पूछा हुआ है, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि अनुक्रमिकता ये तो हमारा है, समाज सामान्य से विशिष्ट की ओर ये तो विकास का क्रम है ही, ये निरंतरता का सिद्धांत ये भी विकास का सिद्धांत है, देखिए प्रतिवर्ती ये हमारा सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि संकल्पनाओं कि व्यवस्थित व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। तो यहां पर देखिएगा संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति देखिए यहां से आप क्वेश्चन पढ़िए, विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है, कौन संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देखिए विकास का प्रणात्मक परिणाम स्वरूप वृद्धि कोई मतलब तो है नहीं इससे, इसका कोई विकास के विकास कोई परिणाम परिणात्मक हो नहीं है कि परिणाम निकलता है उसका कोई, और विषम जाति वाला इसको आप विषम जाति से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होना इसको भी हटा दीजिए, नेगेटिव पॉइंट है, इन जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं सबसे पहले आप उसको हटाइए। विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष से क्रमिक होता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इससे देखिए यहाँ पर विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित नहीं होता है, इनके कोई प्रकार नहीं होती, इसका कोई परिणाम नहीं होता, ये कोई विषम जाति की ओर अग्रसर नहीं होते, यहाँ पर क्या कह सकते हैं विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक क्रम है, विकास हमेशा क्रमिक रूप में होता है। क्लियर है? क्रम से होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल विकास का सिद्धांत है। देखिए बाल विकास का सिद्धांत
सिद्धांतों के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए, बाल विकास का सिद्धांत, विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया घटित होती है। जी बिल्कुल होती है। यहां पर आप देखिएगा कि विकास परिपक्व यानी मैच्योर, अनुभव विकास यानी परिपक्व और अनुभव से संबंधित होता है। आप जानते हैं कि बीच जो है अलग अलग क्रियाएं घटित होती रहती हैं। जब विकास होता है तो हमें पता नहीं चलता कि किस तरीके से क्या हो गया और हमारा विकास डेवलपमेंट होता रहता है। तो यहाँ पर देखिए अगला कुछ अगला ऑप्शन है, विकास प्रत्येक बच्चे की गति सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। कोई लगा सकता है? बिल्कुल गलत हो जाएगा ये तो, क्योंकि विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है? नहीं लगा सकता ना। अनुभव विकास एकमात्र निर्धारण है, ये भी गलत है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट हमारे क्या है, गलत है। क्योंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो है विकास परिपक्व और अनुभव के बीच अन्य सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा यही तो है। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्य क्रिया वजह से घटित होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत नहीं है, याद रखिएगा, सिद्धांत से जो भी क्वेश्चन बनेंगे सब इससे कर देंगे हम, विकास के सिद्धांत से। विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है? देखिए यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो सिद्धांत हो जाएगा, जीवन पर्यंत चलता है विकास, हम जानते हैं। विकास संशोधन योग्य है, ये भी पता है। जब विकास होगा तो आप संशोधन कर सकते हैं किसी, मतलब आपका विकास यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्योंकि यहाँ क्या है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, नहीं होता ना। विकास केवल बाल केवल, यहाँ पर आपको कुछ नहीं पढ़ेंगे, सीधा आप देखेंगे यहाँ पर केवल लगा हुआ है। सिर्फ कौन नहीं है, इनमें से कौन नहीं, यानी कि बाकी हमारे तीन तो होंगे, एक नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, यहाँ पर लिखा हुआ केवल संस्कृति से। तो ये हमारा गलत हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। केवल वाली बात आई, नेगेटिव वाली बात आया, हमने बताया नेगेटिव वाली बात आया है तो यहाँ पर आप उसको लगा दीजिए तुरंत ही, छोड़िए, उसे सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, क्यों माना जाता है भाई? अनुवांशिकता वाली बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, गौर से कोई संबंध नहीं, गत्यात्मक कोई मतलब नहीं है, प्राथमिकता कोई मतलब नहीं है, स्थिर है, यानी कि अनुवांशिकता कभी भी कोई बदलती नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है, ज्यादातर क्वेश्चन आता है ये आनुवंशिकता संबंधित क्या है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कारक कौन सा है, आंखों संबंधी की, जिसकी आनुवंशिकता यानी जिसके वो माता पिता की आंखें, देखिएगा आप गौर से करिए, ज्यादातर यहीं से बनती है आंखें, जिसकी माता पिता की आंखें, हो सकता है कोई अलग अलग टाइप की होती हैं, गहरी काली होती हैं, गहरी कंजी सी होती हैं, तो क्या होती हैं उनके बच्चे की, बालक की भी आंखें इसी तरह की होगी। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है आंखों का रंग, यानी कि उसकी आंखें निर्धारित करती हैं आनुवंशिकता को पहचानने में। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। यानी कि यहां पर एक ऐसा कारक है, एक ऐसा पॉइंट है इसमें से, सिर्फ एक, जो विकास को आकार नहीं देता है। वातावरणीय विकास की बात कर रहा है, वातावरणीय विकास को आकार नहीं देता है। क्लियर? तो यहां पर देखिएगा वातावरणीय, वातावरण हम जान सकते हैं पौष्टिकता की गुणवत्ता, ये वातावरण का कारक है। संस्कृति, ये भी वातावरण का ही कारक है। शिक्षा की गुणवत्ता, ये भी हमारे क्या है, वातावरण से ही संबंधित है। लेकिन शारीरिक संकट, शारीरिक गठन, ये हमारा कहाँ से है, ये हमारा वातावरणीय से नहीं है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। सबसे अधिक गहन एवं जटिल सामाजिकरण होता है। देखिए सबसे अधिक हम जानते हैं कौन सा है,
गहन और जटिल वाली बात करें, कौन सी अवस्था होती है, तो ये होती है हमारी किशोर अवस्था की अवस्था। ये हमारे सबसे कठिन अवस्था, किस अवस्था को कहा जाता है, किशोर अवस्था को। ये किसने कहा, ये हमारे कहा भाई स्टैनले हॉल ने, स्टैनले हॉल साहब ने। क्लियर, ऑप्शन याद रखिएगा, स्टैनले हॉल। किशोर अवस्था की कठिन अवस्था किसने कहा है, किशोर अवस्था को, तो ये हमारे स्टैनले हॉल साहब ने कहा है। क्लियर। और बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है, बाल्यावस्था को खेल की अवस्था कहा जाता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षक को सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थी को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये किसमें सहायता करते हैं, ये सामाजिकरण में सहायता करते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि देखिए शिक्षक को हमेशा यही सलाह दी जाती है कि जितना हो सके आप सब बच्चों को समूह में सिखाइए, समूह में सिखाइए, जितना हो सके बच्चों को आप ग्रुप में सिखाएंगे। आपने देखा होगा बच्चे अधिक, सबसे अधिक बच्चे कहाँ सीखते हैं, जब ग्रुप में सीखते हैं। आपने भी देखा होगा, आप लोग पढ़ते होंगे तो कभी कभी साथ में ग्रुप में होकर पढ़ते हैं। ग्रुप में होकर पढ़ना और अकेले होकर पढ़ना बहुत अंतर होता है। इसमें ग्रुप में जो आपको मिलेगा ना सीखने के लिए, वो अकेले में नहीं मिलेगा, क्योंकि साथ में बैठने से, जानते हैं साथ में बैठने से कई प्रकार की बातें भी होती हैं, और जो ऐसी ऐसी बातें भी होती हैं, जैसे कि पढ़ रहे हैं तो आप हर प्रकार की उस क्वेश्चन पे बात इस तरह से उठेगी जो आपने सुनी भी नहीं होगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितना हो सके उतना बच्चों को सामूहिक रूप से गतिविधि करवाएं, और सीखने के अतिरिक्त किस में सहायक करती है, और ये किसको सहायक करती है, ये सामाजिकरण। आप सामाजिक भी बनेंगे, सामाजिक भी बनेंगे, सामाजिकरण समाज के विकास के लिए भी उत्तरदायी होगा ये सब, समूह में रहना। क्लियर है। तो यहाँ पर मूलधर से कोई मतलब नहीं है, आक्रामकता से कोई मतलब नहीं है, दुश्चिंता का से मतलब नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, सी बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित से किसका गठन मिलन उचित है, तो यहाँ पर देखिए शारीरिक विकास, वातावरण, उचित पूछा यहाँ पर है तो इससे मतलब, लेकिन उचित इससे भी अच्छा मिल सकता है हमें, ये देखना है हमें। संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता, सामाजिक विकास, वातावरण, संवेगात्मक विकास, परिपक्वता। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सामाजिक। सामाजिक विकास क्या है, वातावरण सबसे अधिक होता है यहाँ पर। शारीरिक गठन तो कहीं भी हो सकता है, शारीरिक विकास तो कहीं भी हो सकता है, वातावरण से, वातावरण की बना भी होता है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर से सामाजिक विकास कैसे होते, वातावरण से होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बालक इच्छित दिशा में जाने की क्रिया करता है, इच्छित दिशा में बालक अपनी इच्छा के अनुसार ही क्रिया करता है, किस अवस्था में, ये प्याजे साहब की किस अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बालक जब छोटा होता है, 0 से 2 वर्ष, इन्होंने बताया 0 से 2 वर्ष की, यानी कि शैशव अवस्था में बालक, उन्होंने बताया है शैशव अवस्था, यानी कि कौन सी अवस्था, 0 से 2 वर्ष की अवस्था के बीच बालक अपनी इच्छाओं के अनुसार कोई कार्य दिशा में जाने कर दे। जब बालक छोटा है, छोटा बालक है, वो कहीं भी आ जा सकता है, उसे कोई इच्छा, किसी की इच्छा की जरूरत नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगी ऑप्शन का राइट आंसर। ये तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किससे किस अवस्था से चलता है ये, जिसमें क्या क्या होता है, ये सब बहुत क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि बाल मनोविज्ञान में बालक के विकास का प्रथम चरण है, प्रथम चरण साहब हम कह सकते हैं कि ये हमारा पियाजेट हो जाएगा, पियाजेट। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि जीन पियाजे के अनुसार किस आयु में बालक के अमूल चिंतन की क्षमता विकसित होती है। देखिए जीन पियाजे साहब का फिर से एक क्वेश्चन आ गया, ये कई बार एग्जाम में बना हुए हैं ये क्वेश्चन, जीन पे ऐसे क्वेश्चन हर बार 1 से लेकर 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप इनको बहुत ही गहराई से, गहनता से पढ़ के जाइएगा। तो इसका ऑप्शन हम कह सकते हैं कि अमूर्त वाली बात करें, सबसे कौन सी होती है, 12-17। क्लियर। औपचारिक अवस्था होती है, याद रखिए औपचारिकता, क्योंकि जब बालक बड़ा हो जाता है ना, बालक जब बड़ा हो जाता है तो वो है अमूर्त। अमूर्त का मतलब क्या होता है, जो
मन में सोच सकता है कल्पनाओं के अनुसार। कल्पना यानी कि कुछ भी सोच सकता है वो, जिसकी कोई आकार नहीं होता है, अमूर्त होता है वो। अमूर्त जैसे कि छोटे बालक होते हैं, छोटे बालक को आप क्या कोई चीज किसी चीज के बारे में बताएंगे तो वो नहीं समझेगा, जब आप उसको दिखाएंगे, उसका चित्र दिखाएंगे, तभी वो समझ सकता है कि ये होता क्या है। अमूर्त क्या होता है? अमूर्त ऐसा होता है कि आप उस बालक को बताएं कि ये ऐसा होता है, तो वो ठीक है, कल्पना से कर लेता है कि ये हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन उसका चित्र नहीं दिखाता है कि तो ये होता है अमूर्त। एक तरह से सुनिए, मूर्त होता है हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, अमूर्त होता है सॉफ्टवेयर। क्लियर समझिएगा। तो अब क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है, अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है। देखिए बाह्य कारक, ये अभिप्रेरणा होती है, बाह्य कारक तो होती है, पर ये यहां पर अधिगम को, वो अधिगम यानी कि जो सीख चुका है उसको अभिप्रेरित कैसे करेगा? तो यहां पर ये बाह्य कारक यानी कि अधिक क्या होता है, अभिप्रेरणा होती है, प्रेरणा होती है, ये बाह्य कारक तो होती है, पर ये सीखने के पहले दी जाती है, विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, ये गलत है। लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि, संतुष्टि कोई नहीं। तो देखिए यहां पर अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला, आपने जो सीखा है उसको और अभिप्रेरित करने वाला है कौन सा कारक? तो यहां पर कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। देखिए आपने कोई लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो आप क्या है उससे संतुष्ट होना चाहिए, आप संतुष्ट होंगे तभी आपको दूसरे कार्य करने में अभिप्रेरणा मिलेगी, और फिर आपको कोई भी अभिप्रेरित करने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं भी अभिप्रेरित हो जाएंगे। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, सिसरो का व्यक्तित्व संबंधी मत किस काल को दर्शाता है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर प्राचीन काल हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है भाई उसका क्या होता है, व्यक्तित्व होता है, क्या होता है उसका व्यक्तित्व होता है, क्या मूल होता है उसका, कोई कोई आदत होती है उसकी, क्या मानदंड होता है, नहीं होता ना। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है, ये किसका मत है? तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, थर्ड है जो रैम्स का है। क्लियर है? यहां पर देखिए ये थोड़े कथन है, इनको आप देख लीजिएगा। व्यक्ति व्यक्तित्व में व्यक्ति व्यक्तित्व व्यक्ति में विद्यमान उन मान मान मनोशारीरिक गुणों, यहाँ पर मनोशारीरिक है, मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं, ये कथन किसका है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आलपोर्ट साहब का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा आलपोर्ट, गत्यात्मक गुणों का गत्यात्मक संगठन, ये हमने एक बार और करा चुके हैं ये एग्जाम में, उसमें हमारी प्लेलिस्ट में आप जाइए, उसमें और भाग दिए हैं, उन भागों में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा और। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिएगा मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने दो बार इंक्लूड किया इसमें। याद रखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अध्यापक ही समाज को सही रास्ते पर ले जा सकता है, क्योंकि वह देखिए समाज का प्राणी होता है क्या? ये सभी होते हैं, समाज के प्रति समर्पित होता है, ऐसा तो है नहीं कि केवल समाज के लिए हो। तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि सही भावी नागरिक तैयार कर सकता है, बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि अध्यापक ही ऐसा ऐसा है जो किसी जो बालक को सही भावी नागरिक यानी कि सही रास्ता दिखाने वाला, उसको अच्छे आदर्श विचार देने वाला नागरिक तैयार कर सकता है, बना सकता है वो। क्लियर है? देखिए चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा उसके राइट आंसर। मनोविकास, मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? मनोविज्ञान हमारा किसका अध्ययन करता है? हम जैसे कि हम सभी जानते हैं मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
क्लियर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा फ्यूचर का राइट आंसर। तो ये हमारा क्या हुआ, आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर, तो चैनल को जितना हो सके लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को जरूर दबाइए। थैंक यू।